हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ खालिद, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। हमारे आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है स्पेशल पर्पस रेजिस्टर्स, जिसको बोलते हैं हम नॉन लीनियर रेजिस्टर्स। हम देखेंगे कई ऐसे रेजिस्टर्स होते हैं नॉन लीनियर टाइप्स के, जिनको स्पेसिफिक यूज होता है, पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के अंदर काम आते हैं, उनको बोलते हैं स्पेशल पर्पस रेजिस्टर्स। उसको आज लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो ब्रीफ में एक बार वापस हम जाएंगे कि हमारा रेजिस्टेंस होते क्या हैं। रेजिस्टेंस जैसे हम पढ़ चुके हैं पिछले हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी, कि रेजिस्टर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कर अपोज करने के लिए काम आता है, और इसकी वैल्यू को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट्स होती हैं ओम, और की जो लार्जर यूनिट्स होती हैं वो होती है किलो ओम्स होती है और मेगा ओम होती है। किलो ओम 10^3 ओम्स और मेगा ओम होगी इज इक्वल टू 10^6 ओम्स। और ये हमारा जनरल सिंबल है रेजिस्टेंस का, जो फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल है। और ये हमारे एक पर्टिकुलर टाइप का एक कार्बन कंपोजिशन टाइप का एक कार्बन ट्रैक कार्बन फिल्म टाइप का रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर कलर कोडिंग कर रखी है, उसकी वैल्यू को मार्क शो कर रखा है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें हमने पास पहले देखा था लीनियर रेजिस्टेंस दो तरह के थे, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर दो तरह के थे, फिक्स रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स के चार तरह के हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर, और वेरिएबल के अंदर हमारे पास में पोटेंशियोमीटर था, कार्बन ट्रैक और वायर बाउंड का, और प्रीसेट थे हमारे पास सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किए। आज हम जाएंगे नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के अंदर। नॉन लीनियर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉन लीनियर किसे बोलते हैं हम? वो रेजिस्टेंस जिनके जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, मीन जिनके अंदर वी इज इक्वल टू आई आर लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, या उनके अंदर रेजिस्टेंस या जो भी किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के साथ में जो उनका रिलेशन होगा उसकी जो कर्व आएगी वो लीनियर नहीं होगी, वो नॉन लीनियर मैनर में बिहेव करेंगे, तो उनको बोलते हैं हम नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। दो तरह तीन तरह के हमारे पास में कॉमनली काम आते हैं। पहला है वेरिस्टर, जिनको कि हम बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, VDR बोलते हैं। सेकेंड हमारे पास में थर्मिस्टर, जो कि हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस होता है। इसी तरह के एक और होते हैं सेंसिस्टर, जो कि इतना यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए हमने उसको कवर नहीं किया है। और तीसरा हमारे पास में होता है LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर नॉन लीनियर टाइप्स के स्पेशल पर्पस रेजिस्टर्स को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। देखेंगे आप, पहला हमारे पास में है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर LDR। जैसे इसके नाम से ही पता पड़ रहा है कि जो वो रेजिस्टेंस जो अपना रेजिस्टर उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा विद द लेवल ऑफ लाइट, उसके ऊपर जो लाइट को हम फोकस कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, उस लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए इसको बोलते हैं हम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस को हमारा डार्कनेस के अंदर होगा, सपोज हमने इसके ऊपर हाथ रख दिया, उस पर लाइट नहीं जाएगी, तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा मेगा ओम्स के अंदर। और जब इसको हमने हाथ हटाया, उस पर कुछ लाइट जाएगी, उसका रेजिस्टेंस कुछ कम होगा। अगर उसको हम धूप में लेकर गए, उसके ऊपर लाइट इंटेंसिटी और बढ़ेगी और उसका रेजिस्टेंस अपना और कम हो जाएगा। तो इनका रेजिस्टेंस जो होगा वो लाइट के साथ बिहेव करेगा, वेरी करेगा, डिक्रीज होगा, तो इसको बोलते हैं हम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये काम में आता है। अब इसमें जो कोई भी हम जो मेटेरियल काम में लेंगे, वो मेटेरियल हमारे पास में वही मेटेरियल काम लेंगे जो फोटो सेंसिटिव होगा, को बोलते हैं फोटो कनेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कैडमियम सल्फाइड है, लेड सल्फाइड है, ये मेटेरियल्स के अंदर काम आते हैं। इन्हीं मेटेरियल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि इनका रेजिस्टेंस जो होगा वो लाइट इंसिडेंट लाइट के साथ में वेरी करेगा। ये डिफरेंट शेप्स और कलर्स के डिफरेंट शेप्स में आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कहाँ इसको हमको माउंट करना है। आप देखोगे इसकी वर्किंग, ये हमारे पास सिंपल एक बेस दे रखा है और इसके ऊपर हमने जिगजैग फॉर्म के अंदर ये एक लगा रखा है, हमने अपना कैडमियम सल्फाइड जो हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल होगा उसकी लेयर लगा रखी है। नाउ जिगजैग हमने क्यों लिया है? जिगजैग हमने लिया है कि स्मॉल साइज के अंदर इसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप स्ट्रेट लेते तो आपको इसकी लेंथ बहुत कम मिलती, तो उसका रेजिस्टेंस का जो हमने पास में वो भी वेरिएशन कम मिलता। तो जब भी हम आप देखोगे LDR, तो आपको हमेशा इसके ऊपर जो जिगजैग मैनर के अंदर इस टाइप की लेयर चढ़ी मिलेगी वाली। इनकी लेयर को हमने निकाल रखा है, कॉन्टेक्ट के साथ में निकाल रखा है, तो हमारे पास में ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया और उसके हमने ये कॉन्टेक्ट लगा के हमने टर्मिनल्स निकाल दिए वाला, और ये हमारे फोटो कंडक्टिव मटेरियल के ऊपर हमने लगा रखा है इसके ऊपर, तो ये हमारे पास में वायर टर्मिनल्स हो गए, तो ये हमारा LDR काम करेगा। ये हमारा सिंबल दिखा रखा है बिकॉज ये रेजिस्टेंस है जो वेरी हो रहा है विद द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। इसे दो एरो बना रखी हैं, एरो इसकी इनसाइड के अंदर है, मतलब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी और उसके साथ में इसका रेजिस्टेंस वेरी होगा। आप इसकी देखेंगे कर्व देखेंगे, अगर इसके हम कर्व को स्टडी करेंगे, देखेंगे आप इसके अंदर हमारे पास में ये दिखा रखा है, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ले रखा है इल्यूमिनेशन, मतलब इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, और इसके वाई एक्सिस पर ले रखा है हमने रेजिस्टेंस, जो मैं ये अपने को रेजिस्टेंस देगा।
तो आप देखेंगे जब हमारे पास में लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम थी, जब लाइट कम थी मतलब डार्क की बात कर रहे हैं हम, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हाई था, 10^6 ओम करीब दे रहा था हमको मेगा ओम्स की रेंज के अंदर। फिर जैसे ऊपर लाइट इंटेंसिटी बढ़ी, डे लाइट आया, डे लाइट के ऊपर क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस देखेंगे आप नॉन लीनियर मैनर के अंदर थोड़ा डिक्रीज हुआ। लाइट इंटेंसिटी को हमने और बढ़ाया, मीन्स बात करते हैं हम सन लाइट की, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो लाइट इंटेंसिटी के साथ में वेरी हो रहा है, और वो भी कैसे, नॉन लीनियर मैनर के अंदर। इसको बोलते हैं हम नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो नॉन लीनियरली बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास में बहुत सारे आप चल के बनाओगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे। सपोज हमने बनाया प्रोजेक्ट, हम चाहते हैं कि हमारे जो आउटडोर की लाइट्स है वो ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ हो जाए डिपेंडिंग ऑन कि डे लाइट दिन का टाइम हो रहा है या रात का टाइम हो रहा है। तो इसके अंदर आप एलडीआर लगा दोगे, जैसे ही हमारे पास में सुबह होगी, मॉर्निंग होगी, उस पर लाइट पड़ेगी, तो उसका जो वेरिएशन रेजिस्टेंस क्या होगा उसका कम होगा, और वो जो हमने सर्किट डिज़ाइन कर रखा है उसके अंदर किस तरह से वो बिहेव करेगा, और हमारे जो भी लाइट्स थी उसको, जो आउटडोर लाइट थी उसको वो ऑफ कर देगा। और पूरे दिन हमारे पास में लाइट इंटेंसिटी रहेगी आउटसाइड के अंदर, तो वो अपना बिहेव सेम बिहेव करेगा और आउटडोर लाइट्स को वो ऑफ रखेगा। जैसे ही रात होगी, रात होने के बाद में क्या होगा, लाइट कम हो जाएगी, तो इसके रेजिस्टेंस के ऊपर लाइट कम पड़ेगी, इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, और वो हाई रेजिस्टेंस को हमने सर्किट डिज़ाइन कर रखा है, हमने कैसे स्टडी कर रखा है कि हमने एक सिग्नल जाएगा और आउटडोर लाइट्स को वो ऑन कर देगा। तो ये हमारे बहुत कॉमनली यूज प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे इसको हम एलडीआर को काम में लेते हैं, आउटडोर लाइट्स को ऑन एंड ऑफ करने के लिए ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द डे लाइट, डे टाइम और नाइट टाइम। नेक्स्ट टाइप का हमारा रेजिस्टेंस है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर हमारे पास में बेसिकली क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस है। ये वो रेजिस्टेंस है जिसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज होता है विद द टेम्परेचर। इसके ऊपर जो हम टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होगा। इसके इसी फीचर की वजह से ये काम आता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए। इसको बनाने के लिए जनरली हम काम में लेते हैं कोबाल्ट, निकल, स्ट्रॉन्शियम, मेटल ऑक्साइड्स को, मैगनीज वगैरह को हम काम में लेके इसको हम बनाते हैं, बिकॉज उन्हीं के अंदर ये मेटल्स में प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस को टेम्परेचर के साथ में वेरी करने की। अब इसका रेजिस्टेंस जो है वो भी हमारे पास में क्या करेगा, टेम्परेचर के साथ में इन्वर्सली वेरी करेगा। मतलब हमारे पास में लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, ये अपने पास में डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव फॉर्म के अंदर से। फॉर एग्जांपल जब इसके ऊपर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, और जब इसके ऊपर हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ में नेगेटिवली बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स इसका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ में वेरी हो रहा है और नेगेटिव मैनर के अंदर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और जब टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए इसको हम काम में लेते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन द इंडस्ट्रीज, फॉर डिफरेंट हमारी जो फर्नेस लगी होती है, जब बार बार जाके हमारे पास में ह्यूमन के ऑपरेटर की हेल्प से टेम्परेचर मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे हम थर्मिस्टर, ये और भी टाइप से थर्मोकपल वगैरह आते हैं, हम बात कर रहे हैं थर्मिस्टर की, तो थर्मिस्टर को हम काम में लेते हैं फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ये इसका सिंबल दिखा रखा है, ये हमारे पास में जाके आपको यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स भी बना सकते हैं हम, या हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल बना के इस तरह का हम लाइन खींच देंगे तो वो कहलाएगा सिंबल ऑफ द थर्मिस्टर। तो ये हमारे काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है इसकी फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए। तीसरा हमारा जो स्पेशल पर्पज़ रेजिस्टर है वो कहलाता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर VDR, जिसको हम वेरिस्टर भी बोलते हैं। ना इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज होगा विद द अप्लाइड वोल्टेज। मीन्स हमारे पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके ऊपर हम जो यहाँ पे अगर वोल्टेज लगाते हैं तो वोल्टेज हमारा कम ज़्यादा होगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होगा। इसकी भी जो हमारी जो बिहेवियर है वो नेगेटिव मैनर के अंदर होगा। मीन्स जैसे इसके ऊपर हम अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा, अगर अप्लाइड वोल्टेज को हम डिक्रीज़ करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव वोल्टेज कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंसिडेंट अप्लाइड वोल्टेज के साथ में वेरी हो रहा है और नेगेटिव मैनर के अंदर। इसको बनाने के लिए हम काम में लेते हैं जनरली सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल हमारा जो आता है वो काम में लेते हैं हम, और इसको हम मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर भी बोलते हैं या अपने मोविस्टर भी बोलते हैं। ये जनरली हमारे पास में काम आते हैं, कोई हम सपोज हमारे पास में टीवी के अंदर इसको हम काम में लेते हैं जैसे कोई भी सर्किट प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे सपोज मेरे पास में कोई डिवाइस है और उसके ऊपर हम चाहते हैं कोई सर्ज वोल्टेज या कोई एकदम से वोल्टेज इंक्रीज हो, उसको डैमेज होने से बचाने के लिए यूज़ करना है, तो हमने उस जिस डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है उसके शंट के अंदर, पैरल के अंदर हम लगा देंगे VDR को।
जब मेरा अप्लाइड वोल्टेज एक नॉर्मल रेंज के अंदर होगा तो हमारे पास में इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो काफ़ी हाई होगा, तो हमारा जो अप्लाइड जो करंट होगी वो सर्किट से बिहेव करेगी और सर्किट हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा, जो मेरा डिवाइस था प्रॉपर मैनर के अंदर वर्क करेगा। जैसे ही मेरा वोल्टेज इंक्रीज होगा तो हमारे पास में क्या होगा, VDR का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। अब जो VDR था वो उस डिवाइस के शंट में लगा हुआ है, पैरल में लगा हुआ है, जैसे इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो सारी जो एक्सेस जो करंट होगी वो VDR से पास हो जाएगी और डिवाइस से पास नहीं होगी, हमारा डिवाइस जलने से ख़राब होने से बच जाएगा। जनरली इसको हम डिवाइस के प्रोटेक्शन के अंदर हम लगाते हैं, तो टीवी के अंदर हम जनरली लगाते हैं, हमारी कुछ कॉइल लगी होती है टीवी के अंदर, ये टीवी को हम ऑन करते हैं उस तरह से हमारी हाई फील्ड जनरेट होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हम काम में लेते हैं। तो ये हमारे तीन तरह के जो कॉमनली यूज है काम आते हैं स्पेशल पर्पज रेजिस्टर। चौथा हमारे पास में सेंसिस्टर भी होता है जो कि हमारा थर्मिस्टर की तरह ही होता है, बट थर्मिस्टर के अंदर था नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस था थर्मिस्टर के अंदर, और सेंसिस्टर के अंदर क्या होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो सेंसिस्टर होंगे उनकी एप्लीकेशन से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको हमने इसको अभी स्टडी नहीं किया है। अब जनरली हमारे तीन तरह के रेजिस्टेंस हो गए स्पेशल पर्पज रेजिस्टेंस, पहला हो गया LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो कि हमारे जिसका रेजिस्टेंस हमारा इंसिडेंट लाइट के साथ में वेरी होगा। दूसरी तरह का हमारा हो जाएगा थर्मिस्टर जिसका रेजिस्टेंस चेंज होगा अप्लाइड टेम्परेचर के साथ में और ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के में काम आएगा। और तीसरा हमारा होगा वेरिस्टर जो कि हम बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, इसके ऊपर हम अप्लाइड वोल्टेज लगाएंगे उस वोल्टेज के साथ में हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो ये हमारे तीन तरह के स्पेशल पर्पस रेजिस्टर्स हैं और जिनका जो सभी का जो बिहेवियर है वो नॉन लीनियर मैनर के अंदर वेरिएशन होता है, क्योंकि हम नॉन लीनियर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ओके, थैंक्स।